गुड मॉर्निंग पिला माने, आजिरा अध्याय रे समस्त को स्वागत। द्वितीय अध्याय रे तृतीय पाठ अछि 1936 मसिया पर्यंत ओडिया आंदोलन ओ स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश गठन, एटा होछि तमन विषयवस्तु आज अछि। 1936 मसिया पर्यंत ओडिया आंदोलन ओ स्वतंत्र ओडिसा प्रदेश गठन, चलो सेई विषय रे आलोचना करिबा। ऊनविंश शताब्दी रे ओडिसा छिन्न भिन्न अवस्था रे थिला। कटक, पुरी और बालेश्वर इंग्रेज मानक प्रत्यक्ष शासनाधीन थिला, किंतु ओडिशार गड़जात राज्य गुड़िक परोक्ष शासनाधीन थिला। गंजाम अंचल 1769 मसीह रे इंग्रेज माने अधिकार करी माड्रास प्रेसिडेंसी पठाई थिले। 1849 मसीह रे संबलपुर राजस्वत्व लोपनीति द्वारा इंग्रेज मानक द्वारा अधिकृत होई केंद्रीय प्रदेश अधीन को हस्तांतरित होइथिला। बुझिपाइल कौन कहला ना, गंजाम अंचल 1769 मसीह इंग्रेज मानक द्वारा अधिकार हुई माड्रास प्रेसिडेंसी रे मिसाई थिले। माड्रास प्रेसिडेंसी माने चेन्नई जोटा एबे कह जाउछि माड्रास से आगुर थिला ना, माड्रास रो प्रेसिडेंसी रे मिसाई थिले। से चाहुथिले कि गंजाम टाकु चेन्नई सहित मिसेया पाए। 1849 मसीहारे संबलपुर राजस्वत्व लोपनीति द्वारा 1849 मसीहारे संबलपुर रे गोटे नीति हेतला जहां नाम थिला राजस्वत्व लोपनीति, अर्थात इंग्रज मानंकु लोक माने किछि राजस्व देबे नाही किबा कर देबे नाही, सेटा राजस्वत्व लोपनीति द्वारा इंग्रज मानंकु द्वारा अधिकृत होई केंद्रीय प्रदेश अधीन को हस्तांतरित होइथिला। ओडिया भाषाभाषी अंचल रो मेदिनीपुर बंग प्रेसिडेंसी रे मिसिथिला। मेदिनीपुर बोली गोटे जिला थिला जोटा कि बंग प्रेसिडेंसी रे मिसिगला, एवं सिंहभूमि बिहार छोट नागर नागपुर अधीनस्थ होइथिला। ऊनविंश शताब्दी रो द्वितीय अर्धरे एही खंड विखंडित ओडिशा रो एकत्रीकरण पई देखा देथिला निष्ठापर उद्यम, जहां परवर्ती काल रे ओडिया शासन स्वतंत्र प्रदेश गठन पई सहायक होइथिला। भाषा आंदोलन, देखो ओडिया भाषा आंदोलन ओडिया जाति जातीयतार जननी कहिले अत्युक्ति हेब नाही, कारण ओडिया ओडिसा भाषी तांकर जातीय आंदोलन ओडिया भाषार सुरक्षा पई आरंभ करथिले। 1849 मसीह रे कटकर तत्कालीन कलेक्टर मंगला भाषा को सरकारी भाषार मान्यता प्रदान करथिले, एवं ओडिया एक स्वतंत्र भाषा नुहे बोली बंगर विशिष्ट ऐतिहासिक राजेन्द्र लाल मित्र ओ अन्य माने मत प्रकाश करथिले। किंतु विख्यात भाषाविद जॉन बीम्स ओडिशा गवर्नर गोल्ड बरी एवं बंगर प्रसिद्ध लेखक वासुदेव बंदोपाध्याय यही प्रकार मत को ग्रहण करिनथिले। सेमाने कहुथिले ओडिशा रा एक स्वतंत्र भाषा अछि, सेति पई विख्यात भाषाविद जॉन बीम्स ओडिशा गवर्नर गोल्ड बरी एवं बंगर प्रसिद्ध लेखक वासुदेव बंदोपाध्याय यही प्रकार मत को ग्रहण करिनथिले। बुझिपाइल ओडिशा रे विभिन्न अंचल रे ओडिया भाषा प्रति अनुरक्त विद्वान माने यही मत को खंडन करथिले। ओडिया भाषा रे स्वतंत्र स्थिति विषय रे उत्कल सभा संगठन माध्यम रे एवं विभिन्न खबर कागज रे जथा उत्कल दीपिका, संवाद वाहिका, उत्कल दर्पण प्रकाशित होइतिला। एही प्रकाशन हबा द्वारा सुप्त ओडिया मानंक मध्य रे नूतन जागरण सृष्टि होइतिला। व्यास कवि फकीर मोहन सेनापति ओ कवि राधानाथ राय ओडिया भाषा विरोधी मंतव्य को तीव्र विरोध करथिले। गंजाम अंचल रे गंजाम उत्कल हितवाहिनी सभा नामक एक संगठन स्थापन कोडी ओडिया भाषा आंदोलन को से अंचल रे बलवत्तर करा जायतिला। एही संगठन माध्यम रे गंजाम अंचल को माड्रास प्रेसिडेंसी अधीन रु ओडिसा सहित मिसेइबा पई दाबी उपस्थापन करा जायतिला। 1888 मसीहा रे बंगर लेफ्टनेंट गवर्नर सार एस सी बेली ओडिसा भ्रमण रे आसीथिला बेले तांकु कटक रे उत्कल सभा पक्ष रे एक स्मारक पत्र दिया जाय केंद्रीय प्रदेश ओ मांद्रास एवं बंगरे मिसिथिबा ओडिया भाषाभाषी अंचल को अलगा करिया पई दाबी उपस्थापना करा जायथिला। किंतु एही दाबी को सार बोली सार बेली प्रत्याख्यान करि देथिले, जहा कि ओडिसा मान ओडिया मानकु व्यथित करथिला। 1895 जनवरी 15 रे केंद्रीय प्रदेश रो मुख्य कमिश्नर सार आंड्रू फ्रेजर संबलपुर कोर्ट कचेरी मानकु मानकर ओडिया भाषा उच्छेद करी हिंदी भाषा प्रचलन करथिले। नीलमणि विद्यारत्न संपादन रे प्रकाशित संबलपुर हितैषिणी जोटा आम पढ़ी आगुरी किए
ସେଟା କୁ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଇସିମି ପତ୍ରିକା କିଏ କାଢିଥିଲେ ନୀଳମଣି ବିଦ୍ୟାରତ୍ନଙ୍କ ସମ୍ପାଦନାରେ ପ୍ରକାଶିତ ସମ୍ବଲପୁର ହିତେଇସିମି ପତ୍ରିକାରେ ଏହାକୁ ଏହାକୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ନୀଳମଣିଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଧରଣୀଧର ମିଶ୍ର, ମଦନମୋହନ ମିଶ୍ର, ବ୍ରଜମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ବଳଭଦ୍ର ସୁପକାର ପ୍ରଭୃତି ସଚେତନ ନାଗରିକମାନେ ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। 1901 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ସିମ୍ଲାଠାରେ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମର୍ମରେ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଦାବିକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଓ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ଆଣ୍ଡ୍ରୁ ଫ୍ରେଜରଙ୍କୁ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ସିମ୍ଲାଠାରେ ଭାରତର ବର୍ଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପରିଚୟ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମସ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ 1903 January 1 ସମ୍ବଲପୁର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। ବୁଝିପାରିଲ ତ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କଣ କରିଥିଲେ କି ସିମ୍ଲାଠାରେ ଭାରତର ବର୍ଲାଟ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ପରିଚୟ ବିହୀନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ସମସ୍ୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାର୍ମିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ମଧୁବାବୁ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରସ୍ତ କରି ସ୍ଥାନୀୟ କଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କର ଏକତ୍ରୀକରଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ହୃଦବୋଧ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ 1903 January 1 ସମ୍ବଲପୁରର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ। 1903 December 3 ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଘରୋଇ ସଚିବ ହେନେରି ରିସ୍ଲେ ସର୍କୁଲାର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। 1903 December 3 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏକ ସର୍କୁଲାରକୁ ମାନିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 5 July 1919 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ପାଟନା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବାମଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ଛୋଟନାଗପୁର, ଗାଙ୍ଗପୁର ଓ ବଣେଇ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଡିଭିଜନ ସହିତ ମିଶିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ତାହେଲେ 1905 July 19 କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶରୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହିତ ପାଟନା, କଳାହାଣ୍ଡି, ସୋନପୁର, ବାମଣ୍ଡା, ରେଢ଼ାଖୋଲ ଓ ଛୋଟନାଗପୁର, ଗାଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ବଣେଇ ଆଦି ଓଡ଼ିଆ ଡିଭିଜନରେ ମିଶିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ସଫଳତା। ବୁଝିପାରିଲ 1904 January 5 ଲର୍ଡ କର୍ଜନ ମାଣ୍ଡ୍ରାଜ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ଦକ୍ଷିଣରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାଣ୍ଡ୍ରାଜର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଲର୍ଡ ଆମ୍ଫିଲ ଭିନ୍ନ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। 1904 June 20 ମାନ୍ଦ୍ରାଜର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏମ୍ ହାମ୍ରିକ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତିମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥାନ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ମିଶ୍ରଣ ଏକ ଭୌଗୋଳିକ ପରିସରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଜନଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମସ୍ୟାମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ତେଣୁ ଗଞ୍ଜାମ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବପରି ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ଅଧୀନରେ ରହିଥିଲା। ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ତାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ମଧୁବାବୁ 1907 ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ମଧୁବାବୁ ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। 1911 January ଗଞ୍ଜାମର ଓଡ଼ିଶା ସମାଜର ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମାନ୍ଦ୍ରା ସରକାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଦାବି କଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ପଢିବା ଆମେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏଇ ବିଷୟରେ ପଢିବା। 1911 ଲର୍ଡ ହାର୍ଡିଞ୍ଜ
पूर्वांचल राज्य गुड़िकर सीमा परिवर्तन करी घोषणा कले। 1911 डिसेंबर 27 तारीख रे इंग्रेज सरकार बंग प्रेसिडेंसी को भाग भाग करदे। 1912 अगस्ट 1 तारीख रे गठित हला बिहार ओडिशा नामक एक 1912 अगस्ट 1 तारीख रे गठित हला बिहार ओडिशा नामक एक कौन नूतन प्रदेश। एहा को ओडिया माने ग्रहण करिनथिले, बरं ओडिया विच्छिन्नांचल एकत्रीकरण करी स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठन आंदोलन तीव्रतर करिथिले। 1912 एप्रिल 6 और 7 तारीख रे ब्रह्मपुर रे अनुष्ठित उत्कल सम्मेलनर अष्टम अधिवेशन रे बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को मधुबाबू विरोध करिथिले। से कहिथिले ब्रिटिश शासन अधीन रे एपरी कोनोसी जाति नाही जेउ माने जेउ मानंक प्रति ओडिशार लोकमानंक ठारु अधिक अन्याय ओ निर्दय व्यवहार प्रदर्शन करा जायछि, जदियो सेमाने निर्दोष। इंग्लैंड संसदर केतेक सभ्य मध्य मधुसूदन दास को दृढ़ समर्थन जणाइथिले। उत्कल सम्मेलनर दशम अधिवेशन रे 1914 रे डिसेंबर 26 और 27 रे पारला खेमुंडी महाराज कृष्णचंद्र गजपति द्वारा आयोजित जयपुर राजा विक्रमदेव वर्मा कहिथिले। जयपुर राजा विक्रमदेव वर्मा कौन कहिथिले 1914 डिसेंबर 26 और 27 रे पारला खेमुंडी रे महाराजा कृष्णचंद्र गजपति द्वारा आयोजित उत्कल सम्मेलन दशम अधिवेशन रे राजा विक्रमदेव वर्मा कौन कहिथिले ना, जदि मोर छिन्न मस्तक रांची रे रखा जाए, मोर दुई गोड़ मांद्राज चिकित्सालय रे रखा जाए ओ मो शरीर गंडी को बंगोपसागर रे फिंगी दिया जाए, तेबे कौन मु बंचीबी बंचीछि बोली कुहा जाई पारिबो। आम उत्कल जननी विक्षोभ विक्षिप्त अवस्था रे पड़ी रहिछि, तेनु उत्कल जननीर विक्षिप्तांश गुड़िकर एकत्रीकरण दरकार बुझी पाइल। तो गजपति कृष्णचंद्र गजपति द्वारा आयोजित उत्कल सम्मेलन दशम अधिवेशन रे जयपुर राजा विक्रमदेव वर्मा कौन कहते, जदि मोर छिन्न मस्तक रांची रे रखा जाए, मोर दुई गोड़ को मांद्राज चिकित्सालय रे रखा जाए और मोर शरीर गंडी की बंगोपसागर रे फिंगी दिया जाए, तेबे मु कौन मु बंचीछि बोली कुहा जाय पारिबो। आम उत्कल जननी विक्षिप्त अवस्था रे पड़ी रहिछि, तेनु उत्कल जननीर विक्षिप्तांश गुड़िकर एकत्रीकरण दरकार। लॉर्ड कर्जन मध्य बिहार ओडिशा नूतन प्रदेश गठन संपर्क में इंग्रेज सरकार निष्पत्ति को विरोध करिथिले। प्रत्येक दिगरु राजनैतिक समर्थन ओडिशा जातीयतावाद को अधिक उत्साहित करिथिला। बिहार ओडिशा व्यवस्थापक सभा रे ओडिया सभ्य मानक योगदान स्वतंत्र ओडिशा गठन प्रक्रिया को अधिक त्वरान्वित करिथिला। 1912 फेब्रुआरी 1 तारीख इंग्लैंड लॉर्ड सभा रे भारतर पूर्वतन बल्लाट लॉर्ड कर्जन बिहार ओडिशा प्रदेश गठन को समालोचना करी कहिथिले, एहा एक गुरुतर त्रुटि जहाँ चिरस्थायी होई पारिबो नाही। ओडिया माने जदि एक आंदोलन प्रिय जाति होई थांते जहाँ से माने नुहंती, से माने अल्प समय रे तांको प्रतिवाद जणाई थांते। तो लॉर्ड कर्जन मध्य ओडिया बिहार जो मिश्रण को विरोध मध्य करूथिले, लॉर्ड कर्जन ओडिया सपक्ष रे थिले एवं से चाहूथिले कि ओडिया एक अलग स्वतंत्र प्रदेश गठन हो बोली बुझी पाइल। तो आज आम एति पढ़िले, नेक्स्ट क्लास रे आम मोंटेगु चेम्सफोर्ड खसड़ारू कंटिन्यूशन करिबा। आज पई एति की धन्यवाद।